पहले दिल फिर दिल रुबा फिर दिल के मेहमान हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गए। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। एंड हैप्पी न्यू ईयर गाइस। सो न्यू एनर्जी नए साल के साथ बट पुरानी किस्मत के साथ, ठीक है। हैप्पी न्यू ईयर आप सबको, कैसा गुजरा आप सबका न्यू ईयर। सो आज मैं यूनिवर्सिटी जाने लगी हूँ, ऑलमोस्ट मैं रेडी हूँ। बाकी न्यू ईयर मेरा कोई खास नहीं गुजरा, मैं 11:59 पे भी बेड पे थी, 12 बजे भी बेड पे थी, ठीक है। तो मेरा तो वहीं पे बैठा हुआ बस गुजर गया। बाकी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि अभी मैंने जल्दी से एक गाउन वेयर करना है। गाउन वेयर करने के साथ साथ मैंने कहा नया साल है तो क्यों ना नया बैग लेकर जाया जाए। ये मेरी दोस्त ने मुझे बैग गिफ्ट किया था तो सो मैंने कहा मैं इसके अंदर चीज़ें डालती हूँ। ये नोटबुक तो नहीं डाल रही इसके अंदर, अब मैं सिर्फ बॉल पॉइंट्स डालूंगी, मास्क डालूंगी, अपने हैंड फ्रीज एयरपोर्ट्स डालूंगी और हम निकलते हैं। आई एम ऑलमोस्ट रेडी, बस मैं ये गाउन पहनती हूँ जल्दी से। लेट्स गो, आई एम ऑलरेडी डन। पता नहीं ये निशान कब तक जाएगा मेरे फेस से, नाखून इतना गहरा लग चुका है। खैर ये आपकी जो है ना एडमिन वो खा रही है माल्टे, ठीक है, बाकी चीज़ें इग्नोर मारो। यार मेरे शूज नहीं प्यारे आ रहे ऑडियो में, पता नहीं अब काले शूज आते ग्रेस नहीं निकलते, मैं साफ लाया वाइट ही प्यारे लगते हैं। तो गाइस देखिए आपकी एडमिन व्लॉगर बाजी, व्लॉगर ठीक है, व्लॉगर बाजी अपना इतने इंट्रो दे दो जरा, ठीक है। कितने दिनों बाद तुम यूनिवर्सिटी आ रहे हो? मैं छुट्टियों का पहला छुट्टियां जब थी ना उससे पिछले हफ्ते भी नहीं आए और कल भी हमने गड्डी आ गई है, तो गड्डी से बाजे ना जाए। नए साल का नया तरीके से आगाज गाड़ी के नीचे आके, बस यही कभी रहेगी कि कोई व्लॉगर अंकल कह रहे मुंडे ने तरस आ गया डैड से, तो उन्होंने आज जगह छाड़ दी। एक सीट है, हम मैं और आयशा दोनों बैठ गए। सी हम कितने पतले हैं, आफ्टर ऑल वी आर न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियंस। गट वाला से आए हम लोग, रोज आते हैं दो घंटे अंकल सारे अंकल हाथ चला लो। हां और पहले कैलेंडर बेटे गेट छोड़े बच्चे खड़े हों दो तो। गाइस हम आ गए अपनी यूनिवर्सिटी। हाँ, और हम पिछले वीक भी जब आए थे तो ये सब कुछ चल रहा था, हम आज भी आए हैं तो भी ये सब कुछ चल रहा है। नहीं हमें नहीं कुछ, अंकल कहते हैं आप लोगों को खाने को मिलेगा, मैं क्या घास फूस ही देनी है ना, खानू नहीं देंगे कुछ। दिस इज नॉट गुड बिहेवियर। पूजा आप लोगों को चाहिए आप हमारे लिए भी कुछ करें, गार्ड है सामने उसके हम बंद करते। गाइज आपकी बाजी को होगी गलत फहमी, यार वो लड़की थी एग्जाम कौन सी तो बाद में दिखाऊंगी। हम आते हैं अपनी वो पैंट शर्ट में जो है व्लॉग की तरफ वापस। हाँ अच्छा देख ली, नहीं देखने वाली बिल्कुल ही देखने वाली बिल्कुल ही देखने वाली, लड़कों को खराब करती हूँ लड़की, आज पता चल गया मुझे अपने यार कुड़ी। नहीं यार नहीं नहीं बात अगले दिन उन्होंने आगे कहा आपने मुझे पीछे से क्यों लिया, अब आगे से आ यार टेंशन है ना, पता नहीं पीछे से तो देखने वाली नहीं लग रही। नहीं आगे आप लोगों को नजर नहीं आएगी हम किस लड़की की बात करें, सो मैं ऐसे ही आगे कैमरा कर रही हूँ, ठीक है। सो अब हम क्लास में चलते हैं, 20 मिनट हम लेट हो गए हैं। मेरी यार दी गड्डी दे नाल दी गड्डी नहीं है, क्या यार ही नहीं है यार। तो गाइज हमारे सर नजदीक पीछे जा रहे हैं, हम क्लास से बाहर आ रहे हैं। तेरा दुपट्टा भी नहीं ठीक है, दुपट्टा ठीक कर लिया ना थोड़ा सा। अच्छा फिर भी जो भी है, तो हमारी क्लास हो रही है तो पकड़ 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 में आती हूँ। आइए अभी आने लगे कैमरे के अंदर, लेट्स गो इन क्लास। अभी हम बैग रख गए थे बाहर घूमने के लिए, मगर नहीं पसंद आया किसी को हमारा घूमने। सना इतनी प्रीटी लग रही है ना आज हमें, माशाल्लाह माशाल्लाह सना बहुत प्रीटी लग रही है आज हमें, बहुत ज़्यादा हसीन है, खूबसूरती का राज बता दे। हाय मर्दा कैसा रहा, हैप्पी न्यू ईयर। गाइस आयशा को सांस नहीं आ रहा क्योंकि आयशा का मोबाइल
फाइल अंदर रह गए, मेरी आवाज कीनन क्लास तक ना जाए, मेरी फ्रेंड के पास, हाँ क्योंकि वो उड़गा रही है रट्टा मैथ को क्योंकि उसके प्रेजेंटेशन आने लगी है। गाइस एक मजे की बात अनाउंस करनी है मैंने, सच डैडीज मेरे 5K हो गए हैं टिकटॉक पर। बहुत सारी ट्रीट्स बनती है, सारी ट्रीट्स हमें मिल जाएगी। इस पे ट्रीट बनती है, कौन है इस पे ट्रीट बनती है, कौन है तू इस पे ट्रीट बनती है। हम पानी पीने आए यार, मुझे ये मतलब क्लास के अंदर ये बात याद आई तो मैंने कहा क्यों ना ब्लॉग बनाए। आंख मारती है, सुनिए ना अभी मैं मारी है ना, दोबारा मार गाइस अब आप ही बताना सोनी लग रही है बेंगी लग रही है। लेक्चर हो गया खत्म और क्या सीन होने लगे मैथ के लेक्चर खत्म होने के लिए हम इतनी करते रहे कि फंक्शन वाला चैप्टर सर ना दे, मगर सर ने नहीं सुनी। तो मुझे कह रही है अब लाइक तुम्हारी सुनते हैं, मैं क्या बेटा गलत फहमी आपको कि मेरी सुनते हैं, इवन हर बंदा क्लास बैठ कर तुम्हारी सुन रहे हैं, मैं क्या सर आप ही देखेंगे ना व्लॉग, आपने स्किप भी नहीं ना सुने देख रहे हैं, आपने अच्छा नहीं किया सर, आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, हाँ देख लें सर। अच्छा खैर सो गाइस अब हम जाने लगे हैं कैंटीन, ये है GCUF की बस जिसके अंदर हम रोज खज्जल ख्वार होते हैं, है ना इस बस को भी अगर हम बैठ जाए तो हमें अच्छा नहीं लगता, इतनी आदत हो गई है खड़े होकर जाने की हमें, है ना। नहीं यार नहीं आ गई आज इन्हें जगह लग गई सी ना तागड़ के बदल गई सामने शराफत है। खैर नहीं वो तो डिपार्टमेंट के अंदर अच्छा बात है। ये है गाइस कैफेटेरिया, तीन कौन से पिए ऑरेंज जूस, तीन ऑरेंज जूस पियेंगे मैं वर्दा और आयशा, हेयर्स की आवाम, सर्दी में ठंडा ठंडा जूस है ना, क्योंकि हमने अंकल से कहा था 20 रुपए नहीं देंगे बर्फ ना डालने, तो अंकल ने फिर भी डाल दी बर्फ, हमने 20 रुपए नहीं ना दिए, अंकल हमसे भी ज्यादा शोधे गार्ड अंकल भी हमारे दोस्त हैं, देखे हमें नहीं पकड़ते, हम कैमरा सामने पकड़ के लेके चलते हैं, स्वैग है अपना भी स्वैग नाम चलता है। आदि जी से जानना शुरू हो गई है यार तुम लोग की बहन को, फेमस ब्लॉगर के साथ तुम लोग चलते हो बोलो नहीं तेरी वीडियो तो तू ही नहीं कर ली, ठीक है क्लास हो रही है हमारी। मैम कह रही थी क्यों इसी कर दो, मेरा दिल कर रहा था मैम 5 नंबर देने को दिल कर रहा था, मगर आपकी 1-2 कर दी है, मेरा सखी दिल देखे मैं सबकी 1 की है, 2-3 फीचर्स की 1 की है, बाकी 1-2 1-2 1-2 1-2। ये है स्क्रब, जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि लाइफ साइंसेस के अंदर या मेडिकल साइंसेस के अंदर आते हैं, हर एक अपना स्क्रब होता है, जैसे कि नर्सिंग है, कोई सर्जन होते हैं, इसी तरह न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनके भी एक स्क्रब का स्पेशल कलर होता है, जो हमारा जो कलर है ना वो कलर इसमें नहीं है, लेकिन ये अभी आप लोगों को राइटिंग जो है और टेक्सचर जो है ये दिखाने के लिए ये हम ले अच्छा ये इसको स्क्रबर स्क्रब कहते हैं खोल कर दिखाओ यार अपने फेस के ऊपर करना, हाँ कुछ दो बंदे आ जाए इसके अंदर ओके ये हमारी लैब है GCUF की लैब है, बस ये हमें कभी लेके नहीं आते, दौड़े नहीं करवाते क्योंकि इनको ना दौड़े पड़ जाए, इसलिए हमें दौड़े नहीं करवाते। व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा। ओके सो गाइस अब हम वापस जाने लगे हैं घर, सारे खज्जल ख्वारी हमने आज के दिन की कर ली है, जो आप लोगों ने देखा होगा हर जगह घूम लिया करते हैं रोज, 10 दिनों बाद किया तो हाँ 10 नहीं ज़्यादा दिनों बाद की है, क्योंकि हमारा लास्ट वीक तो ऑफ ही था गवर्नमेंट की तरफ से, उससे पिछला वीक भी हमने ऑफ ही किया है, सो या और कल भी हमने ऑफ ही किया है तो, बट इसमें छुट्टियों के बाद आने का सबसे बुरा चीज़ पता क्या है, फाइनल्स
मतलब मुझे यूनिवर्सिटी आने में इशू नहीं है, बट फाइनल से इशू है यार, पेपर बहुत ज्यादा इशू है। बस फाइनल्स ना ले, बाकी रोज यूनिवर्सिटी बुला ले, मुझे कोई इशू नहीं है। बायोकेमिस्ट्री का इतना सिलेबस है कोई? हाँ, आयशा कहती है उस मैम के लिए ना अलग से कच्ची वादी में वो क्या लगा दे, बता दे पूरी दुनिया को, बता दे जहन्नम में। मैंने कहा जन्नत में, जन्नत में कच्ची वादी में रहेंगी, जहन्नम में ठीक है, जन्नत कन्वर्टेड इनटू जहन्नम फैमिली। यार मम्मी वन ऑफ द अच्छी मैम है, वन ऑफ द। बस इंग्लिश कम टू मी इधर से आके स्टॉप हो जाती है। हाँ, इतनी को आती है फिर मतलब चले चलते हैं बस में बैठते हैं। GCUF वाले अगर आप लोग देख रहे हो तो आप लोग बताओ ये क्या सीन्स चल रहे हैं, ये क्या होने लगा है यहाँ पे। अच्छा मुझे पता है क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है कि नहीं हमारे लिए वेटिंग रूम बनाएंगे। कितनी वाह, इतनी पॉजिटिव, इतनी पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव होना चाहिए बट इतना पॉजिटिव। ये क्या बना रहे हैं आप लोग? सिक्योरिटी गार्ड के लिए बैठने के लिए जगह बना रहे। अच्छा, मैं क्या पता नहीं हमारे लिए बनने लगी है, इतनी जगह थोड़ी बनने की। फिर भी यहाँ पे तो इतनी तो आप बैठने के लिए बैठेंगे वहाँ पे, क्या बनेगा? बड़ा शेड लगेगा तो आप बैठेंगे वहाँ पे, छोटा सा शेड है। फिर बड़ा भी लगा दे, ये तो प्रूव किसी साहब दे सकते हो। ठीक हो गया। बच्चों ये आप लोगों के लिए नहीं, सिक्योरिटी गार्ड के लिए। हाँ जी हमें पता है आंटी, हम वही पूछ रहे थे। ये सिक्योरिटी गार्ड के लिए, वो ठंड में रात को इधर बैठे होते हैं ना भाई। हाँ जी, तो वो ही रात को यहाँ होते हैं ना, होते हैं ना 24 घंटे तो बनता है यार। बस भी आ गई और उधर चलेगी, हमारी किस्मत इतनी ठंडी है। यार अब्दुल्ला मेरी इतनी सुरीली आवाज थी। अब्दुल्ला कितने हैं? अब्दुल्ला ना छाड़ किसी का डायलॉग है, अब्दुल्ला मेरी इतनी सुरीली आवाज है, इतनी सुरीली, लोग कन्ना पे हाथ रख लेंगे। कोई लड़का गुजर रहा था और वो ये बोल के गुजरा, हमें इतना मजे का डायलॉग लगा उसका कि इतनी सुरीली आवाज के लोग कानों पे हाथ रखते। कुछ गाना चाहेंगी आप? नहीं मैं नहीं गाना, मेरे सर में दर्द हो बड़ी पापा पाकिस्तानी हालात का जायजा लिया जा रहा है। ये हालात देखिए, लोग कहते हैं ये तो घर है, ये भी हालात देखिए। This is Pakistan. Guys, अब हम क्या खाने लगे? एक क्रीम रोल है और ये क्या है? ये पता नहीं क्या है, खा के पता नहीं, केक टाइप भी है। अब हम ये ट्राई करने लगे हैं, ये 50 का है, ये 40 का है, 10 रुपये हमने कम करवाए। नहीं नहीं नहीं, ये 50 के थे दोनों, हमने इसमें से भी 10 कम कराए, इसमें से भी 10 कम। हमारा मुँह चिरने से बंद नहीं हो सकता, मेरी एक गिर गई थी। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे, आप लोगों ने देखा कैसा गुजरा मेरा दिन और क्या क्या मैंने किया। सो इसके अलावा तो कुछ खास हुआ नहीं और यही मज़ा है बस। तो आगे जगह फाइनल्स अच्छे हों और डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब, गिव इट दिस वीडियो अ बिग थम्स अप। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर नेक्स्ट डे, और खैर इस सब को छोड़ के तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।